अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद अस्तैंश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो यार आज फिर से हमारे साथ राहिल भाई भी हैं। तो जैसे कि हमने कल आपसे कहा था कि हम फार्म जाएंगे, तो कामरान अली अकबर नाम है मेरे ख्याल से, तो उनके फार्म हम आए हैं। तो यहाँ पे हम आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे मज़ार भी है सैयदना मोहम्मद हसन कादरी कोसर बाबा के, तो इनका मज़ार भी है यहाँ पर। तो चलते हैं, पहले हम मज़ार पर दुआ कर लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं फार्म में। तो यार हम फार्म आ गए हैं, हमारे साथ हैं कामरान भाई, तो यहाँ के खलीफा हैं कामरान भाई और यहाँ की जिम्मेदारी सारी इनकी होती है। तो यार ये मुर्गियाँ आप देख सकते हैं, दोनों मुर्गे हैं ना जी। तो साथ वो छोटा बच्चा किसका है? चूसा आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाली मुर्गी का है। ये भी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे खोलने से? नहीं, इधर उधर भागेंगे, इनको बंद करके दूसरे को। मुर्गा भी आप लोग देख लें, बहुत ही अच्छी नस्ल है। कौन सी नस्ल है तुम्हारे? ये मियांवाली में क्रॉस है। अरे मियांवाली में क्रॉस है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मुर्गा है। मुंह आप देख सकते हैं इसका, तो इसे भी बंद। ये मुर्गा आप देख लें, माशाल्लाह से कद में भी है मुर्गा है, और कद भी इसका बहुत प्यारा है। मुर्गी का कलर और मुर्गे का कलर भी बहुत प्यारा है इसका। ये भी आप देख लें, अभी करीब से दिखाएं। यार अभी इनको भी हम बंद करते हैं फिर, और आप ये खुल के आजाद हो गए, बाहर चले गए। तो यार हमने जैसे चीज़ें खोले वो बाहर चले गए, ये कामरान भाई इनको अंदर भगाने के लिए गए हैं बाहर। तो यार कैसे करें मुझे बना, देख सकते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे सेटअप पे भी ऐसी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो यार हम एक एक करके सब आपको दिखा रहे थे, तो कामरान भाई ने बोला टाइम बहुत लग जाएगा, सबको एक साथ खोल लेते हैं, कबूतरों को, मुर्गों को, चीज़ों को। तो मैंने बोला जैसे आपकी मर्ज़ी। तो अभी सबको खोल रहे हैं, ये देखें कामरान भाई सबको खोल रहे हैं। ये आधे ज़्यादा आ गए हैं, ये कबूतर भी आना शुरू हो गए हैं, वो देख सकते हैं माशाल्लाह से। पट्टे भी हैं और बड़े भी हैं। अब जैसे ही खोला और ये हमला इन लोगों ने बोल दिया, ये देख लें माशाल्लाह से। तो मुर्गा भी आ गया है, ये भी, ये चेक कर लें आप मुर्गा। ये आपस में लड़ाई नहीं करते? लड़ते हैं, भागम भागी करेंगे, एक दूसरे में लड़ेंगे नहीं, कटे में। अच्छा, एक दूसरों से भागते हैं, ये बड़े हैं ये छोटे हैं। ये मुर्गी ने अभी अभी आधे बच्चे निकाल लिए हैं और अंडों में बैठी हुई है। वो एक माजूर हो गया क्या? नहीं नहीं, वो सही है, अभी अंडे से निकला। अच्छा, अभी ताज़ा ताज़ा निकला है। यार पांच बच्चे से निकाल दिए और अंडों में बैठी हुई है। इस मुर्गी के साथ मुर्गा कौन सा लगा हुआ था? मुर्गा सही हम लोगों ने वो लगाया था, अपना क्या बोलते हैं, हमने किसी से लिया हुआ। अच्छा, मुर्गा लिया हुआ था किसी से। यार इसी तरह की हमारे पास भी एक मुर्गी अंडों में बैठी हुई है, दुआ करेंगे वही पूरे बच्चे निकाल लें, खोल लें, निकलेंगे सारे। Thank you.
ये देखें ये हाथ में खा रहे भाई सर। हम तो यार ये हाथ में खाने दाना खाने वाला कबूतर ये चेक कर लें, ये नीचे खाना खाता ही नहीं, ये हाथ में ही दाना खाता है। कमरान भाई बोल रहे हैं ये चेक कर लें माशाल्लाह से। यार अभी राहिल ने मुझे बताया कि अंदर कबूतरों के बच्चे भी हैं। यार ये देखें कबूतरों के बच्चे माशाल्लाह से, ये दो अंडे भी पड़े हुए हैं, इसमें भी कोई कबूतरी बैठी हुई थी जी, अभी वो दाना खाने की। अच्छा ये चेक कर लें आप बाकी कबूतर, ये बच्चे हैं उड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे, इसमें से निकल गए ना यहीं पर बाहर। यार कमरान भाई इन चूज़ों को अभी शिफ्ट कर रहे हैं केज में इनके अपने, ये देख लें आप एक एक करके चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं। इन्हें उस जख्मी वाले उसको उसके पांव पे कुछ लगाएंगे अभी आप? अभी लगाएंगे, हल्का सा पाउडर डाल के क्रीम लगाएंगे। अच्छा तो ये बाकी अंडे सारी ये सारे चले गए ख़राब, तो इतने ज़्यादा रखे क्यों थे एक मुर्गी के नीचे? ऐसे बड़े बड़े ज़ाया हो रहे थे, अंडे ख़राब हो रहे थे, खा रहे ही थे आप। यार ये यहाँ के रेसर कबूतर हैं ये दोनों, ये बाजी वाले कबूतर हैं मैंने जितना सुना है कामरान भाई से। वो वाला है ये, अच्छा ये ब्लैक वाला, ये रेसर कबूतर है यहाँ का। यार ये चूज़ों के पिंजरे में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अंदर चूज़ों के लिए दाना डाला था कामरान भाई ने, और ये कबूतर सारे एकदम एक भी नहीं, जगह एक की भी नहीं है, बाकी सारे अंदर घुस गए कबूतर यहाँ से, तो सारे गायब हो गए, कोई छतों पे बैठ गए। ये चेक कर लें आप छतों पे आगे पीछे, और यहाँ पे एक नया कबूतर आया कामरान भाई के पास, वो उड़ते उड़ते यहाँ पास ब्लू कलर उसके लगा हुआ था, वो उड़ते उड़ते बैठ गया था यहीं पर कहीं पर होगा। तो यार अभी कमरान भाई के फार्म से हम बाहर आ गए हैं, अभी हम हमारे जहाँ पे नया हमें अपना जो सेटअप बनाना है वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ प्लाट वगैरह है तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपसे फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए अपने जो नया सेटअप होगा हमारा, मेरे साथ राहिल भी है। आ गए हैं ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, जगह भी काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे यार एक हमारा जो है ना सीन थोड़ा ख़राब हो रहा है, हमारे घर से ये जगह तकरीबन एक आधे घंटे की दूरी पर है ये जगह, तो आने जाने में थोड़ा सा मसला होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जगह आप देख लें बिल्कुल तैयार हुई हुई है जगह फार्म के लिए, ये वाशरूम है, ये वाशरूम है, और ये कमरा है, कमरा भी बिल्कुल तैयार हुआ है। तो ये खिड़की की जगह फ़िलहाल तो बंद की हुई है, तो कमरा भी आप देख लें माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है, और टेंकी भी यहाँ पे बनी हुई है। सिर्फ यहाँ पे हमें अपना सामान लाना है, कब मुर्गे वगैरह लाने हैं कबूतर से, सिर्फ पिंजरे वगैरह बनाने हैं, और जगह बिल्कुल तैयार हुई है जगह। यार वीडियो काफ़ी बड़ी हुई थी तो मैंने सोचा यहीं पर वीडियो का एंड कर देते हैं, और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको कमरान भाई के परिंदे और हमारा नया जहाँ सेटअप बने की जगह कैसी लगी। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।